हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, जिसमें कि अब युवतियों को भी भत्ता देने की तैयारी चल रही। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है स्वरूप, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी ऐसा स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है 20 लाख रोजगार देने की बात कह रही है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले 25 से अधिक उम्र की अविवाहितों को जो है वो भत्ता दिया जाएगा कहा जा रहा है। 58 से ज़्यादा उम्र वालों को 5 लाख का इलाज फ्री दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की जो है ब्लॉकों में कोचिंग कराई जाएगी फ्री। सिंगल फेज में 300 यूनिट फ्री को बिजली दी जाएगी। किसानों का कर्जा माफ़ करेगी कांग्रेस। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी, जातिगत जनगणना और सबसे महत्वपूर्ण 76% आरक्षण को लागू किया जाएगा और आत्मनंद अंग्रेजी स्कूल बढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार से इनकी अभी मेन जो फोकस है, हालांकि अभी इनकी ऑफिशियली घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन आज के दैनिक भास्कर पेपर में ये जो चीज़ें हैं छपी गई है। लेकिन आप मान के चलिए अभी जितनी भी वैकेंसियाँ निकली है 58% आरक्षण पे निकली हुई है। अगर यहाँ पे 76% आरक्षण लागू होता है तो पूरी की पूरी भर्तियाँ रुक जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 58% आरक्षण से 76% आरक्षण होता है और अगर लागू होता है तो यहाँ पे चीज़ें जिस प्रकार से आप लोगों ने 2022 में देखा था, सितंबर महीने से 2023 मई तक जो है ये पूरा मामला चला था और लगभग 6 से 7 महीने तक कोई भी भर्ती नहीं आई थी। तो अब अगर 76% आरक्षण होता है तो आने वाले समय में इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएँ हैं वो देखने को मिल सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ के लोग इस जो घोषणा पत्र है उसको पसंद करते हैं कि नहीं, और भाजपा के घोषणा पत्र का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि वो अपने घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी लोक लुभावने वादे करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन याद रखिएगा 45 लाख युवा वोटर्स इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं अपने राजनीति का चयन में, तो बिल्कुल आप लोग वोट देने जाइए और एक सही जगह जो है अपने मत का प्रयोग करिए। यही आप लोगों से आशा है बिना किसी लालच में आए। तो बस यही सब आपको जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे। आपके हिसाब से घोषणा पत्र में क्या नहीं रहना चाहिए वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।